फिलहाल आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं अर्जुन नगर चौकी के नजदीक, जहां पर अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है। देख सकते हैं तस्वीरें, बिना नंबर प्लेट देख सकते हैं व्यक्ति के सामने यहां पर पड़ा हुआ है HR51A82098। एम्बुलेंस को फोन कर दो, एम्बुलेंस को फोन कर दो जनाब, इंचार्ज साहब एम्बुलेंस को फोन कर दो। जल्दी फोन करो, किस चीज पे, ये किस चीज पे, साइकिल पे था ये, इसके ऊपर को फेर गया, तेज था, बहुत ज्यादा तेज था। अरे मैं तो उधर था। तो फिलहाल देख सकते हैं अल्टो चालक काफी तेज था जो भागने में असफल रहा। फिलहाल पुलिस यहीं पर मौके पर है और देख सकते हैं अर्जुन नगर चौकी के नजदीक ये पूरा हादसा हुआ है। अपनी गाड़ी ले आओ। देख सकते हैं काफी चोट लगी है व्यक्ति को। अरे गाड़ी मंगा लो यार, रोक लो इसको, एम्बुलेंस को। तो फिलहाल देख सकते हैं एम्बुलेंस को बीच में ही पुलिस द्वारा रोका गया है। काफी भीषण जो है एक्सीडेंट हुआ था, देख सकते हैं तस्वीरें। जल्दी जल्दी आओ, काफी चोट लग गई इसके। तो देख सकते हैं फिलहाल यहाँ पर अल्टो चालक ने जो है किस तरीके से एक साइकिल सवार को काफी गंभीर जो है टक्कर मारी है। उसके बाद जल्दी जल्दी चलो 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 जल्दी खोल दो पीछे, खोल दो भाई साहब, खोल दो। सिविल अस्पताल जगाधरी छोड़ देना, सिविल अस्पताल यमुनानगर ले जाओ। अरे बढ़िया बुझवा दो, ऊपर को फेर गया यार। हाँ पता है मेरे को, ड्रामा में ले जाओ। देख सकते हैं आसपास के लोग जो काफी उग्र हुए पड़े हैं। जल्दी जल्दी खोलो, एकदम से काफी तेज साइकिल सवार को जो है टक्कर मारी है। और देख सकते हैं अल्टो चालक को जो है फिलहाल पुलिस ने पकड़ लिया है। चौकी में अंदर कर लिया पुलिस वालों ने अंदर कर दिया इसको। इसको तो तोड़ूंगी चौकी में खड़े होके। फिलहाल देख सकते हैं काफी तेज पीछे से आया भाई, गाड़ी है अल्टो जिसने एक कार सवार को जो है साइकिल सवार को जो है टक्कर मारी। उसके बाद फिलहाल देख सकते हैं काफी बुरे हालात यहां पर हो चुके हैं, एकदम से काफी गंभीर हालत में जो है अब उसको लेकर जा रहे हैं। ले जाओ इसको जगाधरी यमुनानगर ले जाओ इसको। जल्दी ले जाओ जल्दी, इसके ऊपर को फेर गया, इसे डायरेक्ट सीधा बढ़िया हॉस्पिटल। इंचार्ज साहब पकड़ लिया उसको। हाँ पकड़ ली। तो देख सकते हैं फिलहाल काफी माहौल यहाँ पर खराब हो चुका है लोगों का। तो देख सकते हैं फिलहाल एम्बुलेंस से अब जो है उस युवक को जिसका एक्सीडेंट हुआ है साइकिल पर था बताया जा रहा है। और साइकिल के हालात भी देख सकते हैं क्या कुछ हालात है साइकिल के। पुलिस बहरहाल उस युवक को भी पकड़ लिया है, लेकर जा रहे हैं। काफी एकदम से हादसा हुआ, काफी तेज जो है इस अल्टो सवार ने जो ब्लैक अल्टो सवार ने जो है टक्कर मारी। उसके बाद फिलहाल पुलिस ने उस युवक को पकड़ लिया है।
काफी तेज जो है साइकिल सवार को जो है टक्कर मारी और काफी गंभीर हालत में है। उसे फिलहाल एम्बुलेंस अस्पताल में लेकर जाती हुई दिखाई दे रही है। देख सकते हैं तस्वीरें, उसको तो पकड़ लिया, अभी हम नहीं पकड़ लिया था उसको, अंदर गया। देख सकते हैं, देख सकते हैं एकदम से जो है साइकिल सवार को टक्कर मारी, पीछे से कई लोगों को टक्कर मारता हुआ आया। अचानक से जो है काफी बड़ा हादसा होते हो गया यहाँ पर। एक साइकिल सवार को जो है अल्टो चालक ने टक्कर मारी, भाग रहा था, फिलहाल हमने ही पकड़ लिया उसको रास्ते में से और हमने पुलिस के हवाले कर दिया। देख सकते हैं हालात काफी गंभीर है यहाँ पर। क्या कुछ कहेंगे चौकी इंचार्ज पूरे मामले को लेकर, क्योंकि लोग भड़के हुए हैं, भागने की तैयारी में था, फिलहाल उसे पकड़ लिया गया। देख सकते हैं पुलिस अब यहां पर नोट डाउन करती नजर आ रही है। अर्जुन नगर चौकी से 20 कदम दूरी पर ही ये पूरा हादसा हुआ। देख सकते हैं कैसे एकदम से इस ऑल्टो चालक ने, नंबर आप फिलहाल देख सकते हैं HR 51 AA 2098 नंबर है, जिसने काफी तेज जो है टक्कर मारी साइकिल सवार को। पुलिस एकदम से बाहर निकली और उसके बाद जो है उस चालक को हमने ही पकड़ा, और उसके बाद अल्टो कार चालक जो है लड़का भाग रहा था उसको हमने पकड़ा, और पीछे काफ़ी लोग गुस्साए हुए थे क्योंकि वो पीछे से टक्कर मारता हुआ आ रहा था। जी हाँ, काफ़ी लोगों को उसने टक्कर मारने की कोशिश की, कई लोग बच गए, पर एक साइकिल सवार जो है इस चपेट में आ गया, उसको गंभीर चोटें आई और रास्ते में आ रही एम्बुलेंस से एकदम मदद मांगी गई और उसको सिविल अस्पताल पहुँचाया गया। मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को इस वीडियो को देख रहे हैं लगातार शेयर जरूर करते रहिएगा। देख सकते हैं यहीं वो साइकिल जो पड़ी हुई थी, उसके बाद देख सकते हैं आप यहीं पर वो साइकिल पड़ी हुई थी, फिलहाल साइकिल को कब्जे में कर लिया और गाड़ी चालक को भी कब्जे में कर लिया गया है।